वंदना टेक्सटाइल। एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल मॉम स्टूडियो। मैं हूँ शोमा कोलकाता से। आज का ब्लॉग आसाम की गुवाहाटी से। गुवाहाटी मार्केट में आए हैं हम। जो मेरा ब्लॉग फॉलो करते हैं आप सभी को पता ही होगा, आज सुबह सुबह ही आए हैं हम फर्स्ट टाइम आसाम की गुवाहाटी में। लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया था ब्रह्मपुत्र रिवर क्रूजिंग। क्रूज से हम पिकॉक आइलैंड गए थे और वहां पर उमानंद टेम्पल दर्शन किया। और अभी आए हैं हम गुवाहाटी का जो मार्केट है पान बाजार, जहां पर ओरिजिनल आसाम सिल्क और मेखला चादर मिलता है वहां पर, क्योंकि हमें शॉपिंग भी करना है। तो आसाम गुवाहाटी में तो बहुत ही लोग आते हैं, क्योंकि ये हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है और यहाँ से बहुत सी इंडिया का जो ट्रैवल एरिया है वहाँ पर आप जा सकते हो। तो यहाँ से ही गुजर के आपको मेघालय या अरुणाचल प्रदेश में जाना पड़ता है। तो सभी लोग गुवाहाटी में आके शॉपिंग करना नहीं भूलते, क्योंकि यहाँ का जो फेमस मुगा सिल्क है और आसाम सिल्क है, और जो मैंने कहा यहाँ का जो ट्रेडिशनल वेयर है मेखला सदर, वो बहुत ही फेमस है। तो जो कोई भी यहाँ पर ट्रैवल के लिए आता है वो ज़रूर मेखला सदर या मेखला चादर और आसाम सिल्क का जो साड़ी होता है या गमछा भी बहुत फेमस है, जो हम लोग नहाने के बाद पोछते हैं, तो वो वाला गमछा भी बहुत फेमस है, वो गिफ्टिंग के लिए भी लेके जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पर तो हम आए हैं पहले पान बाजार। तो पान बाजार में जो है सभी जो ट्रेडिशनल और ओरिजिनल सिल्क वाला जो स्टोर है वो है। और यहाँ पर जो है ना गुवाहाटी में बहुत सारा मार्केट है। ये देखिए, ये साड़ी जो मैं दिखा रही हूँ ये 57,000 का है। तो ये वाला जो मार्केट है पान बाजार, यहाँ पर जो ओरिजिनल हैंडलूम कॉटन और मुगा सिल्क का ही मार्केट है, ओरिजिनल वाला है। तो यहाँ पर आप 2000 से लेके आप टू 1 लाख तक की साड़ियाँ और मेखला खरीद सकते हैं। तो ये मार्केट विजिट करना मत भूलना गुवाहाटी में आके। तो ये वाला भी और एक ट्रेडिशनल वाला जो कलर कॉम्बिनेशन है ऑफ वाइट और रेड कॉम्बिनेशन का, ये बहुत ही फेमस आसाम सिल्क साड़ी है। तो बहुत ही अच्छा अच्छा स्टोर में हम गए थे, बहुत ही अच्छा लगा। तो और भी कलेक्शन मैं दिखाऊंगी, फिर यहाँ से चलूंगी पल्टन बाज़ार। तो पल्टन बाज़ार है लोकल, जो सब गिफ्टिंग के लिए लेते हैं अपने लिए भी ले सकते हैं, वैसा वाला मार्केट है। और हम ठहरे भी हैं पल्टन बाज़ार में। तो ये देखिए, एक स्काई ब्लू में और तूते कलर कहते हैं इसे बंगाली में, तो इसमें है मेखला, बहुत ही खूबसूरत है। कैमरा में कितना अच्छा लग रहा था मुझे पता नहीं, पर सामने से ना ये इसका जो क्वालिटी है और जो कॉम्बिनेशन कलर सभी बहुत ही खूबसूरत था। तो ये देखिए, और एक वाइट में बहुत ही अच्छा अच्छा था। तो ये वाला है कॉटन का, कॉटन सिल्क यहाँ पर इस मार्केट पर आप सभी को मिल जाएगा। पर दूसरा जो मार्केट है पल्टन बाजार, वहाँ पर मिक्स वाला मिलता है। और यहाँ पर गुवाहाटी में फैंसी मार्केट है और भी बहुत सारा मार्केट है, पर ये पान बाजार में आपको आना पड़ेगा ओरिजिनल अगर आप लेना चाहे तो। थोड़ा बहुत बार्गेनिंग भी आप कर सकते हैं, थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, पर ज़्यादा नहीं मिलेगा इस मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर तो ओरिजिनल मैंने कहा ही। तो आप आँख बंद करके इस मार्केट में आइए और जो स्टोर है उसमें आप विजिट कीजिए और शॉपिंग कीजिए, तो आप बहुत ही फायदे में रहेंगे अगर आप ओरिजिनल साड़ी और मेखला लेना चाहे तो। तो चलिए, और कुछ कलेक्शन देख लेते हैं और कुछ कुछ जो शॉप है वहाँ पर चलते हैं धीरे धीरे। तो आप देख ही सकते हैं कलेक्शन बहुत ही सारा स्टॉक है, एवरी स्टोर में बहुत सारा आपको दिखाया जाएगा। आप
बहुत अच्छे तरह से शॉपिंग कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो तो। ये है बच्चे के लिए, ये देखिए ये मेखला है और ये छोटे छोटे बच्चे के लिए है, तो ये आर्ट सिल्क में है। तो आर्ट सिल्क का जो यहाँ पर मिलता है वो बच्चे का ही मिलता है, मतलब कि 10-12 ईयर्स तक का जो बेबी गर्ल है वो ही ये सब पहन सकते हैं। छोटा है इसलिए इसका जो क्वालिटी है ये आर्ट सिल्क में है, ओरिजिनल में नहीं है। अगर आप चाहे तो ओरिजिनल में भी आप ढूंढ के ले सकते हैं। जिन्हें मालूम नहीं है आर्ट सिल्क क्या है तो मैं उनके लिए बता दे रही हूँ कि आर्ट सिल्क है मिक्स वाला जो होता है, ओरिजिनल सिल्क का थ्रेड नहीं होता है। साड़ी और मेखला जो ओरिजिनल होता है वो है रेशम, जो थ्रेड है उससे बना हुआ होता है, और जो आर्ट सिल्क होता है वो रेशम से नहीं होता है, मतलब कि वो आर्टिफिशियल जो थ्रेड है उससे मिक्स किया हुआ मटेरियल है। बहुत सारा शॉप हमने घूम लिया है, हर एक स्टोर में हम जाके जाके देखे, पर हमारा शॉपिंग अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि बजट और जो डिज़ाइन है वो हमें हर एक शॉप में नहीं पसंद आ रहा था। तो लास्ट में हम आए हैं इस वाले शॉप में जो हमने दिखाया ही है। पन बाज़ार में आप जब जा रहे हैं तो आपको ये शॉप लेफ्ट साइड में मिलेगा, ये जो टी वाला शॉप है उसके ठीक बगल वाले शॉप है ये। ये शॉप का नाम मेरे को ना याद नहीं है और मैंने इसका जो बाहर वाला हिस्सा भी शूट नहीं किया है तो बहुत ही इसलिए सॉरी है। तो ये वाला शॉप हमें सबसे बेहतर, रीजनेबल और डिज़ाइन भी अच्छा लगा है। ये वाला शॉप इस लाइन का सबसे लास्ट वाला शॉप है। लास्ट में ये वाला जो वाइड वाला मेखला है हम सभी को बहुत ही पसंद आया था तो हमने तो ये ही ले लिया है। जब मैं शॉपिंग वीडियो लाऊंगी और एक ब्लॉग में तब मैं ज़रूर दिखाऊंगी हमने कौन सा मेखला लिया है। यहाँ से कॉपर जरी में वाइट कॉम्बिनेशन में ये मेखला था, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अभी पान बाज़ार से हम लोग आ गए हैं पल्टन बाज़ार में, जो कि बहुत ही फेमस एक मार्केट है। तो यह देख रहे हैं ये गमछा है, बहुत ही सस्ता वाला है पर क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर आप लोगों को सब टाइप का जो गिफ्टिंग आइटम मिल जाएगा। तो हम लोग इस शॉप में आए हैं तो ये एक ही शॉप में हमने शॉपिंग किया है और यहाँ का कलेक्शन हमें बहुत ही अच्छा लगा है। डिटेल्स तो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वंदना टेक्सटाइल, ये वंदना टेक्सटाइल्स, तो ये बहुत ही अच्छा एक शॉप है और यहाँ पर बहुत डिस्काउंट करते हैं ये लोग। बार्गेनिंग भी आप अच्छे से कर सकते हैं, पर यहाँ पर ओरिजिनल आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर आर्ट सिल्क का ही ज़्यादातर साड़ी और मेखला मिल जाएगा आपको। और जो गमछा मैं कह रही थी, यहाँ पर आपको अच्छा गमछा मिल जाएगा। ये है मेखला और साड़ी भी हम देख
रहे हैं, तो डिटेल्स मैंने स्क्रीन में डाल दिया है। आप जब भी गुवाहाटी पल्टन बाजार जाए तो इस वाले शॉप पर ज़रूर विजिट कीजिएगा और शॉपिंग भी कीजिएगा, तो आपको भी अच्छा लगेगा। इस वाले शॉप से हमने बहुत सारा शॉपिंग किया, मैंने और मेरे फ्रेंड लोग ने। बहुत ही अच्छा है ये वाला शॉप, मेखला बेडशीट्स के लिए और साड़ी के लिए भी, पर ओरिजिनल मैंने बोला ही, ओरिजिनल अगर आप लेना चाहें तो आपको पान बाज़ार के जो स्टोर है वहाँ पर ही जाना पड़ेगा। पर यहाँ पर भी जो मिलता है वो क्वालिटी में बहुत ही अच्छा है। तो मैंने तो खूब सारा शॉपिंग किया, आप सभी को मैं दिखाऊंगी कोलकाता लौटकर और एक ब्लॉग में। और इस वाले शॉप से शॉपिंग करके हमें बहुत सारा डिस्काउंट भी मिला, मतलब कि बहुत ही हम लोग फ़ायदे में रहे इस बार गुवाहाटी में शॉपिंग करके। हमें तो बहुत ही अच्छा लगा, आप सभी को भी अच्छा लगेगा अगर आप पल्टन बाज़ार के इस वाले शॉप से शॉपिंग करेंगे तो। तो चलिए, वीडियो कैसा लग रहा है और ये गुवाहाटी वाला सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है और कॉमेंट करके बताना ज़रूर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है वो भी प्रेस करके ऑल कर देना, ताकि मैं जब भी YouTube में वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप मेरे सभी वीडियो को वॉच कर सके। और जो व्यूअर्स आप लोग Facebook से देख रहे हो तो वो भी मेरे इस पेज को फॉलो ज़रूर कर लेना। जाते जाते मैं और एक बात शेयर करना चाहूँगी, तो मेरा जो मेन वाला चैनल है यूट्यूब में और मेन वाला जो पेज है केयरिंग मुंबई शोमा करके, वो एक बंगाली चैनल एंड पेज है। तो आप चाहे तो उस वाले चैनल एंड पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और एक ट्रैवल सीरीज़ में, क्योंकि हम लोग गुवाहाटी से अभी नेक्स्ट जाने वाले हैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टूर में, जो कि आप मुझे इस वाले चैनल पे अगर फॉलो करेंगे तो ज़रूर देख पाएंगे वो सारा ब्लॉग, और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वो ब्लॉग होने वाला है। तो ये देख लीजिए, लास्ट में मैं दिखा रही हूँ ये आसाम का जो ट्रेडिशनल हैंडलूम बेडशीट है, ये भी बहुत सारा वैरायटी में इस वाले मार्केट में आप सभी को मिल जाएगा। तो ये बेडशीट हमने लिया है 700 रुपीज़ में, बहुत ही अच्छा है, हैंडलूम का है और ये साइज़ में भी बिग साइज़ का है और यहाँ पर सब साइज़ का ही आपको बेडशीट्स मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं और एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।